हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी को आई एक रिपोर्ट ने पूरे अडानी ग्रुप के शेयरों में जैसे सुनामी ला दी। हर दिन अडानी ग्रुप की कंपनियों की बुरी पिटाई हुई और अडानी ग्रुप की बार बार सफाई के बावजूद हालात काबू में नहीं लाए जा सके। 24 जनवरी से अब तक अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 9.37 लाख करोड़ रुपए डूब गया है। 24 जनवरी को अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 19 लाख करोड़ रुपए था, जो कि सोमवार 6 फरवरी को घटकर करीब 9.81 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। यानी अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब आधा घट गया है। हालांकि अडानी ग्रुप ने शेयरों को गिरवी रखकर लिए गए लोन तय वक्त से पहले चुकाने का एक बड़ा फैसला भी लिया और इससे बाजार में अडानी के शेयरों में सेंटिमेंट सुधरता दिखाई दिया है। अडानी ग्रुप ने करीब 1.11 अरब डॉलर के ऐसे कर्ज चुका दिए हैं। ये कर्ज अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन के शेयरों को गिरवी रखकर लिए गए थे। अब अडानी ग्रुप के लिए एक और अच्छी खबर आती दिख रही है। खबर जेपी मॉर्गन की तरफ से आई है। जेपी मॉर्गन ने एक नोट में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बुरी क्राइसिस में फंसने के बावजूद अडानी ग्रुप अभी भी। जेपी मॉर्गन ने कहा कि इंडेक्स रूल्स के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियां अभी भी SEMBI, JACI और JESG इंडाइसेस के योग्य है। अपनी रिपोर्ट में जेपी मॉर्गन ने कहा कि हम अभी भी आम पब्लिक में मौजूद जानकारियों और सिक्योरिटीज के लिक्विडिटी पर नजर बनाए हुए हैं। अडानी ग्रुप पोर्ट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई कारोबारों में है। कॉरपोरेट इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स सीरीज CEMBI इमर्जिंग मार्केट कॉरपोरेशन के जारी किए जाने वाले US डॉलर आधारित डेट को ट्रैक करता है। CEMBI और JACI के अलावा अडानी ग्रुप के डॉलर बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन के ESG ग्लोबल कॉरपोरेट इंडेक्स यानी JESG का हिस्सा बनने के योग्य बने हुए हैं। जेपी मॉर्गन का जेपी मॉर्गन एशिया क्रेडिट इंडेक्स यानी JACI एशिया फिक्स्ड रेट डॉलर बॉन्ड मार्केट के टोटल रिटर्न परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। सोमवार तक अडानी ग्रुप की ज़्यादातर कंपनियों के शेयरों में गिरावट दिखाई दी। हालांकि मंगलवार को अडानी के शेयरों में अच्छी खबरों के बूते तगड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। मंगलवार को सुबह के कारोबार के वक्त अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 20% तक उछलकर 1,962 रुपये तक पहुंच गए थे। हालांकि बाद में ये करीब 14% की तेजी के साथ 1,802 रुपये पर चल रहे थे। दोपहर करीब 2:20 पर अडानी पोर्ट के शेयर 2.56% चढ़कर 559.10 पर कारोबार कर रहे थे। अडानी विलमार के शेयरों में तो 5% का अपर सर्किट लग गया और ये 398.90 रुपये पर चल रहे थे। इसी तरह से अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में भी तेजी दिख रही थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का एक रिस्पॉन्स दिया था, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से हिंडनबर्ग के उठाए गए सवालों के जवाब दिए गए थे। हालांकि इस जवाब के आने के बाद भी बाजार में अडानी ग्रुप की कंपनियों में गिरावट का सिलसिला रुका नहीं, लेकिन अब करीब 9,000 करोड़ रुपए के गिरवी शेयरों के बदले लिए गए कर्जों को वक्त से पहले चुकाने और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के पक्ष में पॉजिटिव माहौल बनाने में मदद दी है। अब देखना ये होगा कि क्या अडानी ग्रुप के शेयरों में लौटी ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।